हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो का टॉपिक है परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए। आप यहां पे कुछ पिक्चर भी देख रहे हैं, ये सभी चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है वो आगे देखते हैं। हर कोई अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करता है ताकि आगे चल के बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए या खुद के भविष्य के लिए पैसे की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सके। कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई पैसा इंटरेस्ट में दूसरों को देता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, NSC इत्यादि। तो कई सारे तरीके से परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन अधिकतर केसेस में होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। परिवार के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पैसा एक्युमुलेट हो रहा है, कहीं पे पैसा ग्रो हो रहा है, यहाँ तक बातें सही हैं। लेकिन उस पैसे में ताला लगा रहता है। ताला क्यों लगा रहता है? क्योंकि अधिकतर केसेस में, मैं सब केसेस में नहीं बोलता हूँ, बट अधिकतर केसेस में ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो खुद को मालूम होता है, वो बातें सिर्फ खुद ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सबको दिख नहीं रहा है, परिवार के हर किसी को नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उस पे एक ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी खुद के पास में है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि मानते हैं कि कोई पैसा इंटरेस्ट में किसी को देता है, अच्छी बात है, पैसा उसने बहुत सारा पैसा लोगों को दिया हुआ है। अब एक दिन अचानक से सुबह उसकी याददाश्त चली जाती है, उदाहरण के लिए याददाश्त चली जाती है, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? ऐसी स्थिति में होगा ये कि जिस किसी को भी उधारी में पैसा दिया हुआ गया है और उनको जैसे ही पता चलता है कि जिससे पैसा लिया गया है उसकी तो याददाश्त चली गई है, तो वो तो खुश हो जाएंगे। कोई खुद से आके पैसा रिटर्न करने की बात नहीं करेगा, ब्याज गया तो गया, सब पूरा पैसा चला जाएगा। और दूसरी बात, पैसा तभी रिकवर हो सकता है जब परिवार के किसी सदस्य को मालूम है कि कहां कहां पैसा दिया गया है। उसी तरह और भी दूसरे एग्जांपल है, शेयर मार्केट में पैसा जमा हुआ है, किसी के साथ में मिलके पैसा जमा किया जा रहा है, तो जैसे ही ऐसी कुछ स्थिति आएगी तो ये जरूरी नहीं है कि कितना पूरा इन्वेस्टमेंट उस पर्सन के नाम पे है वो पूरा उसको वापस मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अगर उसकी जानकारी, या कहें वो ताले में बंद है और उसकी चाबी अगर किसी को मालूम नहीं है, परिवार के सदस्यों को, तो एक प्रकार से वो परिवार के भविष्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि जो भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ है वो हर किसी को पता होना चाहिए, बट चाबी होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि जब परिवार को जरूरत हो तो उनको पता चले कि हाँ कहाँ कहाँ पे पैसा कैसा रखा हुआ है, सो दैट तो उस ताले को खोल के वो उस पैसे का फायदा उठा सके। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो भी इन्वेस्टमेंट कोई करता है उस इन्वेस्टमेंट का पता तुरंत में, नहीं तो ऐसा कुछ चाबी हो जिससे कि आगे चल के जब परिवार को जरूरत हो तो उनको आसानी से पता चल सके। अब वो कैसे हो सकता है वो आप खुद सोच सकते हैं। तो ये तो ही पहली बात। दूसरी बात है, अब यहाँ पे चाबी आपके हाथ में है। चाबी आपके हाथ में है कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं मुख्य रूप से बात करने वाला हूँ एक टर्म जीवन बीमा प्लान लेने की। हर किसी को एक कम से कम एक टर्म जीवन बीमा प्लान लेना चाहिए ही चाहिए, और उसमें ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी टर्म प्लान लिया जा रहा है वो टर्म प्लान उस पर्सन के कम 60 साल होने तक के लिए हो। मार्केट में कई सारे प्लान अवेलेबल हैं। मैं टर्म प्लान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टर्म प्लान का एक स्पेसिफिक बेनिफिट होता है कि इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, ये सिर्फ अनफोर्सिन इवेंट की स्थिति में ही काम आता है, और उसके कारण चूँकि इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है तो इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है, लेकिन इंश्योरेंस अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कई सारे एडवर्टीजमेंट में भी देखते होंगे, आपके मोबाइल में भी आता होगा कि 1 करोड़ का बीमा सिर्फ 1,000 में, ऐसे। तो ऐसा ही कोई प्लान जो एटलीस्ट 60 साल तक कवर करे, ऐसा प्लान लेके रखना चाहिए। तो इससे आगे ये होगा कि कोई भी अनफोर्सिन इवेंट की स्थिति में भी
परिवार सुरक्षित रहेगा फिनेंशियली। ये दोनों बात काफी छोटी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हर किसी को ये दो बातें ज़रूर से करनी चाहिए। पहला, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की जानकारी तुरंत या बाद में परिवार के सदस्यों को होनी चाहिए, तरीका खुद चूज कर सकते हैं। दूसरा, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर से होना चाहिए जो कि एटलीस्ट मेन कमाई करने वाले के 60 साल तक वो एलिजिबल रहे। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास में आसानी से अवेलेबल हो जाए। आप मेरे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।